सबको ओम शांति। हमारे बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं और जो इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि कौन सा सबसे सरल और आसान रास्ता अपनाया जाए और उसमें हमको बहुत ही आनंद रहे। तो अपने देश में क्या करते हैं लोग कि बहुत ही सरल काम की ओर प्रवृत्त होती है, मेहनत न करनी पड़े और ज्यादा अर्निंग हो जाए, ज्यादा हम आनंद से रहें उसके चक्कर में रहते। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति 10 साल पहले जो राष्ट्रपति थे, जब भारत में आए थे, ताज होटल में रुके और उनका जो रूटीन था वो इस तरह से था कि सुबह वो इतना कसरत करते थे, कसरत करने के बाद उनका जो पूरा कपड़ा भीग जाता था। और अपने यहाँ क्या, हम लोग आराम तलबी को अपना जीवन मानते हैं और सोचते हैं कि आराम तलबी में ही परम मुक्ति है, परम आनंद है। और आप देखेंगे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े, और अगर कुछ करना पड़ गया तो उसको सबसे बड़े कष्ट की भावना होती है कि यहां पर हमें काम करना पड़ रहा है और इस काम करने के नाते हम परेशान हैं। तो बता दें हम कि काम करने में हमको अपना सुख मानना है, और भगवान ने भगवद गीता में लिखा है कि मुझे कुछ भी नहीं पाना है, फिर भी मैं अगर कर्म ना करूं तो इस दुनिया का उच्छेद करने वाला हो जाऊं, कर्म परंपरा को विनष्ट करने वाला हो जाऊं। तो हम सबको कम से कम भगवान श्री कृष्ण या जो परमात्मा कह रहे हैं उसको आदर्श मान करके अपने जीवन में हमेशा कर्मरत रहने का व्रत लेना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि कम सरल काम करेंगे उसी में हमको बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी काम सरल होता नहीं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम सोचते हैं कि सरल रास्ता चुने, सरल रास्ते में भी बहुत परेशानी होती है, उसमें भी मेहनत करना पड़ता है। तो कोई चीज इसलिए न चुने को सरल है, बल्कि आप मेहनत से भागने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, और अगर मेहनत से नहीं भागेंगे तो तय है कि मंजिल आपको मिलेगी। आप देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर जैसे महान बैट्समैन प्रतिदिन अभ्यास करते थे तब जाकर के उतने बड़े बैट्समैन बन पाए। जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो अपने क्षेत्र में प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, जो अच्छे अच्छे गायक हैं वो प्रतिदिन गाने का रियाज करते हैं, गाने का अभ्यास करते हैं, जो वादक हैं वो बजाने का अभ्यास करते हैं। तो हम लोग भी जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अच्छा करने का, और उस जिस क्षेत्र में है उसमें प्रतिदिन अभ्यास करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर आप छात्र हैं तो पढ़ने का जो आपका अभ्यास है उसे बनाए रखें, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस की निरंतरता को बनाएं। जिस भी क्षेत्र में है अगर आप उस निरंतरता को बरकरार रखेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। इसी के साथ ओम शांति, सबको धन्यवाद।